الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ نے دنیا کو وقتی اور عارضی طور پر کے لیے پیدا فرمایا، یعنی یہ دنیا جیسے پیدا ہوئی ہے اللہ پاک اس کو ویسے ختم بھی کر دیں گے. یہ دنیا ہمیشہ چلے گی نہیں. حضرات صحابہ اسی طرح مکہ کے مشرکین بار بار حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اب یہ بتائیے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کے لیے جس کو آپ قیامت کہتے ہیں وہ کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ یہ دنیا کب ختم ہوگی؟ اس کا ہمیں خبر دیجئے، اس کا ہم کو بتلائیے، علم دیجئے کب آئے گی یہ قیامت. ابھی میں نے خطبے کے اندر سورہ آراف کی ایک لمبی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہے. اللہ رب ذوالجلال اسی قیامت کب آئے گی اس کا جواب پیغمبر کی زبانی دے رہے ہیں. چنانچہ آیت کریمہ ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ بتائیے قیامت کب آئے گی، ایان مرساہا، یہ قیامت کب رونما ہوگی، کب قائم ہوگی، ہم کو بتلائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
इस दुनिया के बारे में क्या हैसियत है और ये दुनिया किस तरह से ख़त्म हो जाएगी, हदीसों के अंदर बड़े बेहतरीन मिसालों के ज़रिए से समझाया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत सैयदुना जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के बाजारों से गुजर रहे थे, बाजार में चलकर जा रहे थे और हजरात सहाबा आपके दाएं बाएं चल रहे थे। जैसे कभी कोई आदमी बड़ा आदमी चलता है तो दाएं बाएं लोग चलकर जाते हैं, तो फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम की नजर सामने एक छोटी सी बकरी की बच्ची जो मरी पड़ी है नजर आई। बकरी की बच्ची, छोटी सी बकरी है, उसका एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, मर गया है। और जब हुजूर ने देखा तो उस बकरी का जो बच्चा है उसके कान छोटे छोटे हैं। अरब में बकरी के कान का छोटा होना मायूब था, ऐब समझा जाता था। अरब लोग जिस बकरी के कान छोटे होते हैं उसको पसंद नहीं करते थे। तो एक तो छोटे कान वाले बकरी अरब के लोगों को पसंद नहीं, ऊपर से ये बकरी का बच्चा है प्लस मरा पड़ा है, छोटे कान वाला है, बच्चा है, मरा पड़ा है। हुजूर करीब तशरीफ ले गए, उस बकरी के बच्चे की कान को ऐसे पकड़कर उठाया, हुजूर ने ऐसे उठाया। फिर हुजूर ने जो पैगंबर के साथ चलने वाले सहाबा थे उनसे फरमाया कि भाई कौन तुम में से इस बात को पसंद करता है कि एक दिरहम के बदले में ये दे दिया जाए, यानी एक दिरहम दे दो, ये मरी हुई बकरी का बच्चा ये तुमको दे देंगे। हजरत सहाबा जो आपके साथ थे कहा कि हुजूर इस मरी हुई बच्ची, छोटे से बच्चे को लेकर मा नस्नउ बिहादा, क्या करेंगे हम, और ऊपर से जो है कान भी छोटा है इसका, छोटे छोटे कान और मरी हुई चीज। हुजूर ने एक स्टेप आगे बढ़कर कहा चलो भाई कौन तुम में से ये पसंद करता है कि इसको मुफ्त दे दिया जाए, फ्री में दे देंगे, फ्री में अगर उठाना चाहो तो उठा लो। साहबा ने कहा कि हुजूर लौकाना हैयन काना ऐबन, अगर ये बकरी का बच्चा जिंदा भी होता तो इसके कान छोटे होने की वजह से हम इसको पसंद नहीं करते, इसको हम नहीं लेते। तो एक तो कान छोटा है, फिर मरा हुआ है, इसे लेकर हम क्या करेंगे हम यानी सहाबा की नजरों में हुजूर सहाबा को बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी नजरों में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की कोई हैसियत नहीं, अगर फ्री में भी अगर कोई दे दे तब भी लेने के लिए तुम तैयार नहीं हो। क्यों? इसलिए कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि अलैकुम, सुन लो जैसे तुम्हारे नजदीक इस मरे हुए बकरी के बच्चे की कोई हैसियत नहीं, मुफ्त भी फ्री भी दे दिया जाए तो लेने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसे ही अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत कुछ भी नहीं, अल्लाह के पास इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। आज इसी दुनिया के पीछे
मर्द औरत जवान बूढ़े मालदार गरीब सब पढ़े लिखे अनपढ़ सब इसी दुनिया को आबाद करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया की मिसाल फरमाई कि कोई आदमी समंदर के पास जाकर अपनी एक उंगली को समंदर में डुबकी दे, डुबोए और फिर अपनी उंगली को उठाए, तब उस उंगली में कितनी मिकदार पानी होगा, कितना पानी होगा? या तो ज्यादा से ज्यादा एक कतरा गिरेगा पानी में, हम उंगली डालकर ऐसे उठाएंगे तो एक कतरा पानी का हमारी उंगली से गिरेगा, या कम से कम हमारी उंगली तर हो जाएगी, गीली हो जाएगी, इतना ही होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक दुनिया की इतनी ही हैसियत है, ये समंदर आखिरत है और उंगली में लगने वाली मिकदार दुनिया है। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुनिया की बेहैसियत होने को कई एक एतबार से समझाया, कई एक एतबार से मिसालें दी। पूरा खुलासा पैगंबर ने एक रिवायत में फरमाया इन दुनिया हुलवतुन खजीरतुन, सुनो दुनिया मीठी और सरसब्ज और शादाब है, यानी कोई पीने की चीज और हरियाली, खेतों की हरियाली जैसे सरसब्ज है, खुशनुमा है, देखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन ये पीने की मीठी चीज या खाने की मीठी चीज और ये खेत की हरियाली चंद दिन में खत्म हो जाएगी, जो पीने और खाने की चीजें वो सड़कर खत्म हो जाएगी, फेंक देंगे लोग, और खेतों की हरियाली मुरझा जाएगी। फरमाया दुनिया भी ऐसे ही है, चंद दिन लहलहाती होगी, बड़ा खुशनुमा नजर आएगा, लेकिन एक दिन खत्म हो जाएगी। अब ये खत्म कब होगा, ये दुनिया का, इस दुनिया की इंतहा कब होगी, इसी को हजरात सहाबा और मक्का के मुशरिकीन पै दर पे अलग अलग अंदाज से हुजूर से पूछते रहे। यसअलूनका अनिसाअति अय्यान मुरसाहा, ए नबी आप जिस कियामत का तस्किरा करते हैं बताए तो सही कि ये कब आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कुल, ए नबी आप कह दीजिए इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कयामत का इल्म महज अल्लाह के पास है, मेरे रब के पास है। कोई नबी, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई बड़ा से बड़ा नेक फरिश्ता, जिन किसी को नहीं मालूम है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, मेरे परवरदिगार के पास है, किसी और के पास नहीं। युजल्ली हां लिवक्ति हां इल्ला हू, जिस वक्त कयामत आना है अल्लाह उस वक्त कयामत को जाहिर करके रहेंगे उसके वक्त पर। सकुलत फिस समावाति वल अर्ज, आसमान और जमीन के लिए कयामत बड़ी भारी है, मामूली चीज नहीं है, कयामत बड़ी भारी भरकम चीज है। ला ताअतीकुम इल्ला बगततन, और ये कियामत तुम्हारे पास बोल कर नहीं आएगी, खिटखिटा कर नहीं आएगी कि मैं 2023 के एंड में आऊंगी, 24 के स्टार्ट में आऊंगी, 25 में आऊंगी, बोल कर नहीं आएगी। ला ताअतीकुम इल्ला बगततन, अल्लाह कहते हैं कयामत अचानक आएगी, पूरे इंसान की हवा निकल जाएगी, इंसान तो इंसान बेजान चीज, उसके परच्चे उड़ जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनपुश, ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। यौम नतदी समा कतई सिजिल्ल लिल कुतुब,
तुमार जैसे अपनी रजिस्टर को फोल्ड करता है, आसमान कयामत के दिन इस तरीके से फोल्ड कर लिए जाएंगे, आसमान फट जाएगा। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन के अंदर भूचाल आ जाएगी, उसके अंदर जलजले आ जाएंगे। वो अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ये जमीन अपने अंदर होने वाले सोना चांदी मुर्दे सारी चीजों को निकाल कर बाहर फेंक देगी। उस वक्त इंसान कहेगा वकाल इंसान उमालाहा, अरे इस जमीन को क्या हो गया, अरे आसमान को क्या हो गया, अरे इन पहाड़ों को क्या हो गया। दिरहम दिरहम दरहम बरहम हो जाएगा पूरा निजाम। ये कयामत का मंजर होगा। अल्लाह कहते हैं यस अनूनक कअन्नक हफीयुन अनहा, ये लोग आपसे जो सवाल करते हैं कयामत के बारे में, वो ये लोग समझ रहे हैं कि आप इसकी तलाश में हैं, आप इसके पीछे पड़े हुए हैं, कयामत के बारे में आपको मालूम है, इसलिए ये लोग आपसे पूछ रहे हैं। ऐ नबी आप कह दीजिए कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, कयामत का इल्म अल्लाह के पास है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कयामत के बारे में जगह जगह बयान फरमाया। देखिए इस्लाम और ईमान का तीन बुनियादी अकीदा है, तीन बुनियादी हुक्म है। नंबर एक है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना। दूसरा है रिसालत, अल्लाह ने जितने नबियों को दुनिया में भेजा है उनको बरहक मानना और उन पर ईमान लाना, और हम सब के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना। तीसरा बुनियादी अकीदा है माद, आखिरत, आखिरत के लिए ही दुनिया बनाई गई है, इसलिए आखिरत पर जिसका यकीन और ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं हो सकता। गैर मुस्लिमों में और मुसलमानों में एक फर्क यही है कि गैर मुस्लिम दुनिया की जिंदगी को ही असल समझते हैं, और वो कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में है मौज मस्ती कर ले और जब मर जाएगा तो फिर उसे दोबारा जो है जिंदा होकर हिसाब किताब, ये सब कुछ नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कयामत आकर रहेगी, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। अब रह गया मसला कयामत किन किन निशानियों के बुनियाद पर आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम के अंदर इजमाली तस्किरा है, अहादीस मुबारका के अंदर अल्लाह के नबी ने अलग 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 उनवान से बताया। एक हदीस है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की, जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 15 अलामतें कयामत की बयान फरमाई। उलमा ने लिखा है कि ये अलामतें कयामत के बारे में जो नबी ने बताई हैं वो दो तरह की हैं, एक है छोटी छोटी अलामतें, एक है बड़ी बड़ी अलामतें। छोटी छोटी अलामतें जो 15 से जायद हैं पैगंबर ने अलग अलग मौके पर बताई हैं, आज की दुनिया में वो छोटी अलामतें तकरीबन सब पाई जा रही हैं। मिसाल के तौर पर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़कात को टैक्स और जुर्माना समझकर लोग अदा करेंगे बेजार होकर। आज लोग ज़कात देने से कतराते हैं, बेजार हो जाते हैं। पैगंबर ने फरमाया कि अमानत की चीज को अपनी चीज समझकर इस्तेमाल करेंगे। मैं किसी एक खास जगह की बात नहीं कर रहा हूं, आम तौर पर कह रहा हूं, कितने मसाजिद की प्रॉपर्टियां हैं और रिफाही तंजीमें हैं जिनकी प्रॉपर्टियां लोग वैसे ही जाया और बर्बाद कर रहे हैं, अपना अपना समझ रहे हैं। मस्जिदों की दुकानों के किरायों को नहीं बन रहे हैं, मकानों को अपनी तहवील में, जगहों को अपनी तहवील में, ये सब हो रहा है। दूसरों के माल को अपना माल समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं।
बहन के माल को हड़प लिया, कमजोर भाई के माल को हड़प लिया, वरासत और प्रॉपर्टी तकसीम करने में कमी बेशी कर दी। माँ बाप के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत की एक अलामत यह है कि लोग माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, बाप को दूर करेगा, दोस्तों को करीब करेगा। आज बाप के साथ बैठकर बात करने के लिए फुर्सत नहीं है, दोस्तों के साथ गपचप करने के लिए घंटे घंटे आसानी से निकल जाते हैं। जब देखो बाहर है, कहीं किसी होटल में है, किसी सर्कल में है, किसी पुलां ऑफिस में है, पुलां जगह है, माँ को कभी खैरियत पूछने का नहीं है, ना बाप की तबीयत पूछने का कोई मौका है। पैगंबर ने फरमाया बाप को दूर करेंगे और दोस्त को करीब करेंगे, माँ की नाफरमानी होगी, बीवी की इताअत होगी। आज हर माँ बाप परेशान है, बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों की शादियां कराते हैं, तो बीवी आने के बाद सबसे पहला जो बीवी की तरफ से शौहर के वास्ते से अपने सास और खुसर को जो तोहफा मिलता है वो अलग जीने का तोहफा मिलता है, माँ बाप से जुदाईगी का तोहफा मिलता है। तो इस तरीके से माँ बाप की नाफरमानियां होंगी, बीवी और दोस्तों की इताअत होगी। पैगंबर ने फरमाया कयामत की अलामत में से यह भी है कि नाच गाना आला मौसिकी आम हो जाएगी। आज कौन सी जगह ऐसी है जहां ये सारी चीजें ना हो? अरे इंसान इतना बेहिस हो गया, इतना बेहिस हो गया, जिस सरजमीन में अल्लाह के फरिश्ते वही लेकर आते हैं, जहां हजरत अंबिया की जगहें हैं, मुकद्दस मुतहर जगह हैं, ऐसी जगहों में भी वहां के हुक्मरानों ने, जिम्मेदारों ने सिनेमा हॉल को कायम करके बड़ा ही उस जगह के तकद्दस को चूर चूर करके रख दिया, कोई हैसियत बनाकर नहीं रखी। अल्लाह के यहां ये क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा। सिनेमा घर बनाया जा रहा है, सऊदीया के इलाकों में बनाए जा रहे हैं, सुना गया कहां तक सच है पता नहीं, खबर देने वाले बताते मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सिनेमा हॉल कायम किया गया। अगर ये गलत है तो अल्लाह गलत कर दें, और अगर ये सही है तो अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसका खातिमा फरमा दें। कहां कहां नाच गा रहे, जो पैगंबर फरमाते हैं कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि मजामीर को, नाच गाने के आलों को, मौसिकी को, म्यूजिक को तोड़ दूं, फोड़ दूं, इसलिए मैं भेजा गया हूं। आज उसी नबी का उम्मती अपने हर वक्त इसी नाच गाने के पीछे अपना वक्त लगा रहा है। बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सब बराबर शरीक हैं। कितनी मर्तबा हमने न बाजार छोड़ा, न दुकान छोड़ा, न मकान छोड़ा, यहां तक कि मस्जिद को भी हमने नहीं बख्शा। कई मर्तबा ऐसा होता है कि इमाम नमाज में होता है, सारे मुक्तदी एक इत्मीनान के साथ पढ़ रहे होते हैं, अब अचानक शैतान की घंटी, म्यूजिक, गाना, जो भी वो बजता है, सबकी नमाज में खलल पैदा कर दिया। हमने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा हर जगह। तो पैगंबर ने फरमाया कि नाच गाने आम होंगे, फिर पैगंबर ने फरमाया कि शराब पिए जाएंगे, नाम बदल बदल कर एनर्जी प्लस के नाम पर, बीर के नाम पर, फुला फुला के नाम पर, स्कूल पढ़ने वाला, कॉलेज पढ़ने वाला, मजदूरी करने वाला, जो जितनी मेहनत और मजदूरी करता है वो अपनी थकावट को दूर करने के लिए शराब की लत में फंस जाता है और अपनी पूरी हलाल कमाई उस हराम चीज में लगा देता है। जबकि पैगंबर ने फरमाया कि शराब ये उम्मुल खबाइस हैं, खबासतों की जड़ हैं, और जो दुनिया में शराब पीता है आखिरत में जन्नत की शराब से वो महरूम हो जाएगा, जबकि जन्नत की शराब का मोहर जो लगा होगा, सील जो होगा, वो मुश्क का होगा, बड़ी खुशबू की चीज का होगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में से निशानी ये भी है कि नए लोग पिछले लोगों की बुराई करेंगे, बुरा भला कहेंगे, उन पर लान तान करेंगे। फिर पैगंबर ने फरमाया कि कसरत से जिना होगा, आम हो जाएगा, बदकारी आम हो जाएगी,
सारी दुनिया के अंदर देख लीजिए, आज जिना और बदकारी की दावतों को देने के लिए कितनी किस्म की चीजें पैदा कर दी गई हैं। ये सब वो अलामतें हैं जिसको पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, और पूरी दुनिया में तकरीबन ये सब पाए जा रहे हैं। हम में से हर एक जानता है कि ये अलामतें किस दर्जा से पाए जा रहे हैं। कुछ अलामतें वो हैं जो बड़ी बड़ी अलामतें, जिनके बारे में पैगंबर ने फरमाया कि ये अलामतें जब जाहिर हो जाएं तो बिल्कुल कयामत के कदम ब कदम हम चल रहे होंगे। इंशाअल्लाह उन अलामतों के सिलसिले में आइंदा जुमा आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। इस वक्त एक जरूरी ऐलान ये है कि जैसे कि इस महीने के